ताहिरुल कादरी ने शेख रशीद की दावत पर लाल हवेली का दौरा किया और फिर दोनों रहनुमाओं ने हुकूमत पर खूब निश्तर बरसाए। हुक्मरान खानदान इस मुल्क में करप्शन का आर्किटेक्ट है, ये करप्शन के इंजीनियर हैं, ये करप्शन के बिल्डर हैं, ये करप्शन के डेवलपर हैं। इन्होंने करप्शन को एक सिस्टम के तौर पर इस मुल्क में जारी किया, मुतारफ करवाया और उसको बढ़ाया और मजबूत किया। ताहिरुल कादरी ने कहा कि शहदाए मॉडल टाउन के खून पर कोई समझौता नहीं होगा, जुल्म के पहाड़ तोड़ने वालों का अंजाम करीब है। आपको 17 जून के मॉडल टाउन के शहदा के खून का हिसाब देना है और इसका हिसाब सादा लफ्जों में है, कोई दियत नहीं है, कोई खून बा नहीं है, कोई पैसा टका करोड़ों रुपए का हिसाब किताब नहीं है। उस पर वो रसा लानत भेज चुके हैं। इसका हिसाब सिर्फ कुरानी हुक्म के मुताबिक किसास होना है। शेख रशीद ने कहा कि नवाज शरीफ इलाज के लिए लंदन गए लेकिन वहां भी पाउंड सस्ता करा दिया। उन्होंने हुकूमत के खिलाफ नए नारे का भी जिक्र किया। पहले मेरे नारा दिया था गो नवाज गो, अब मेरा ये नारा चोरो पाकिस्तान की जान छोड़ो। शेख रशीद ने कहा कि हुकूमत कहती है ऑपोजिशन से जमहूरियत को खतरा है लेकिन जमहूरियत सिर्फ हुक्मरानों की वजह से खतरे में है।